भाई ये कोई तरीका है क्या खेलने का? अच्छा तो तुम सिखा दो फिर। भाई तुम्हें पता है कितनी तेजी से लगी है बॉल? ये तुम लोग की बैठने की जगह है क्या? अगर इतना शौक है तो घर में चूड़ी बन के बैठो। देखो भाई लोग, तुम जरा लिमिट में रहो। एक तो गलती भी तुम्हारी है और ऊपर से तुम चढ़ भी रहे हो। तू जी गाएगा हमें? देखो भाई लोग, अपनी लिमिट में रहो, टच मत करो। तो क्या आइंदा हमसे उलझने की कोशिश मत करना, और गलती है तो गलती एक्सेप्ट करना। इस चीज को कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा। ओ भाई, क्या लड़की जा रही है? तेरी भाभी जो है पगले। भाभी ये कब बनी? नहीं ये तो बन जाएंगी। अबे भाभी मेरी नहीं तेरी बनेंगी, देख लेना। भाई भैंसबाजी करके भी मतलब नहीं है, एक काम करो तुम दोनों ट्राई कर लो। आइडिया तो वैसे ही ठीक है, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन दोनों। चलो एक्सक्यूज मी, हम आपका नाम जा सकते हैं? भाई यार मैं बताऊँ क्या, तुझे देख के नहीं रुकी हो? नहीं तो रुकती थी यार। तुझे पता है कि तुझे देख के नहीं रुकी हो? अगर तू नहीं होता ना तो रुकती थी और मुझसे कुछ कहती थी, पता ही क्या? ये तो गलत बोल रहा है। अरे भाई हमें भी तो बताओ क्या हुआ। अरे यार आप क्या बताओ यार। अरे बता तो सही भाई। यार उसने तो हम दोनों को इग्नोर करके चले गई। अरे बस भाई इसी बात। भाई यहाँ से रोज सुबह डेली 9 बजे जाती है। तुम दोनों एक काम करो, कल रोज और चॉकलेट लेकर आओ और उसे प्रपोज करो, लड़की जिससे सेट हुई उसकी। साहब भाई भाभी किसी की भी बने, अपुन को क्या, अपुन को सिर्फ पार्टी से मतलब। हाँ, ले लेना ले लेना, कोई बात नहीं। भाई देखो वो आ रही है, क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ हम दोनों तैयार हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें आपसे कुछ कहने का है। कौन हो आप? आई लव यू सो मच। लव यू लव यू लव यू सो मच। क्या हो गया भाई, कल क्यों नहीं आए थे? ज्यादा खुशी हो गई थी क्या? काम निकल गया मेरा और क्या करो तेरा, हम लोगों ने कितना वेट किया तुम लोगों का कल। सही क्या है? करता मैं अपना सड़ा मुंह लेके तुम लोगों के पास आता, और शायद तुम ही लोगों ने उसे भड़काया होगा रोहन को, कि तुम रोज से नहीं आईफोन से गिफ्ट करो, प्रपोज करो, सब कुछ करो, और लड़की क्या, लड़की मान भी गई। नहीं यार ऐसी कुछ बात ही नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ आइडिया दिया ही नहीं। और अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल गलत है, रोहन को ऐसी नहीं करना था। अच्छा तो इसने अपनी दोस्ती पैसों से तोला है, जो कि इसने आज तक कभी नहीं किया। रोहन ये सब तू कैसे कर सकता है भाई, लड़की को आईफोन से प्रपोज? अरे तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैठ लगी थी और मैंने अपनी बैठ पूरी की। तूने एक लड़की के लिए अपने दोस्त अमन को पैसे से तोला और तुझे इतनी छोटी सी बात लग रही है? अरे भाई तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हो। देखो भाई अगर तुम्हें ऐसी ही बात करना है ना तो आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। भाई उस लड़की ने तेरी अमीरी से प्यार किया है, ना कि तेरे दिल से, और ये बात तू हमेशा याद रखना। और जिस दिन तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा ना, तो उस दिन हम लोग सब तेरे लिए खड़े हैं।
क्योंकि रोहन प्यार से बड़ी दोस्ती होती है और ये बात हमेशा याद रखना। रोहन भाई, उस दिन वाले हादसे को मैं भूला नहीं हूँ और ना कभी मैं भूलूंगा। मुन्ना तू मेरा छोटा भाई है और मैं कोई भी फैसला गुस्से में नहीं करता, जल्दबाजी में नहीं करता, दिमाग से करता हूँ। जो सीन हमें ना समझे उसे अपन दफन कर देते, चाहे फिर इंसान हो या शैतान दोनों को खत्म कर देते है। सुना मुन्ना, सबर रख, जिस दिन हम कह डाएंगे उस दिन हमारा मार भी और वार भी दोनों गहरा होगा। हिसाब होगा, जरूर होगा, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से नहीं खून से लूंगा, खून से। क्या हुआ रोहन तुम्हें, तुम बहुत अपसेट लग रहे हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुम अपने दोस्तों का ही टेंशन ले रहे हो। जाने दो यार, छोड़ो ना। क्यों जाने दो, तुम बताओ तुम बुखार है? मुझे पता था तुम हॉस्पिटल नहीं चलोगे, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट के लिए दवाई भी लेके आई और इंजेक्शन भी लेके आई। हेलो 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 अमन, मैं रोहन की गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ। हेलो भाई, यार कौन तुझे परेशान कर रहा है, फोन उठा के बात कर ले। अरे यार ये रोहन की गर्लफ्रेंड का फोन है, पता नहीं मुझे क्यों फोन कर रही है। भाई एक बार फोन तो उठा लो, शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। हेलो हेलो अमन, प्लीज फोन मत काटना, प्लीज सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोहन की तबीयत खूब ज्यादा सीरियस है, मुझे उसके हेल्थ के बारे में तुम्हें बताना है। तुम मुझे पहाड़ी वाले इलाके में मिलो, मैं तुम्हें एड्रेस शेयर कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं अभी पहाड़ी वाले रोड पर आता हूँ। ठीक है, चल दे। ओके भाई, रोहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसकी गर्लफ्रेंड जिया ने बताया अभी कॉल करके, और मुझे मिलना उससे बहुत जरूरी है। तुम बस एक घंटा वेट करो, मैं सिर्फ एक घंटे में आऊंगा। ठीक है, अब भी चलते है ना? नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, उसने मुझे अकेले में बुलाया। ठीक है ठीक। भाई अमन ने कहा था कि एक घंटे में आऊंगा, लेकिन अभी चार घंटे हो गया है और अमन का कुछ अता पता नहीं है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे कुछ हुआ तो नहीं, हमें जाके दिखना चाहिए क्या? चलो मेरे गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश भी कैसे किया तूने? ये तू कैसे कर सकता है, तू दो दिन की लड़की के लिए बचपन की दोस्ती कैसे भूल सकता है तू? और तूने मुझे मारने की कोशिश की? तेरी जगह मेरा भाई भी होता ना तो मैं उसे भी मार देता, और मैं जिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
दोनों को क्या लगा मैं बदला नहीं लूंगा? हम बदला दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। ताकि दिल ना चले तो दिमाग साथ दे। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करती थी? ये तो बस मेरा मकसद था कि मैं तुम दोनों को अलग कर सकूं, और मैंने कर दिया। मैंने कहा था ना मुंटी, मैं जल्दबाजी में काम नहीं लेता, सबर से काम लेता हूँ। रोहन, वो इंजेक्शन मैंने तुम्हें ठीक होने का नहीं दिया था, वो तुम्हारी याददाश्त मिटाने का दिया था, ताकि तुम कुछ भी कर सको, किसी को भी मार सको और किसी की भी जान ले सको। और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मुन्ना, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तेरी प्रेमिका को उसे उन लोगों की दोस्ती के बीच में लाना होगा और उन्हें आपस में लड़वाना होगा, और ये कैसे करना है कब करना है ये तुझे उसे समझाना पड़ेगा, और तू कल उससे मिल। उसे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, अब करूँगा प्यार से बात। मैंने तुझसे कहा था रोहन कि लड़की से बेहतर दोस्ती होती है। हाँ मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। तूने इसे क्यों मारा? आंटी रुक जा, जो लड़की दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है उसे हम अपनी बहू नहीं बना सकते? उसने मेरे कहने पे उसे मारा है। भाई आपने ठीक नहीं किए। अगर मैं बाद में कहता उससे रिश्ता तोड़ने के लिए तो हमें मर्डर करके फंसा सकती थी, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। ये दोनों को छोड़ो और जिया की लाश ठिकाने लगाओ। और इसे भाई ये कैसा हुआ भाई? भाई भाई इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा, खून ज्यादा बह रहा है। आओ जल्दी चलो।